नमस्कार। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे लॉर्ड्स टेस्ट मैच में कुछ ऐसा घट गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान एक क्रिकेट प्रशंसक भारत की जर्सी पहनकर मैदान में घुस आया। यही नहीं, क्रिकेट फैन खुद को भारतीय टीम का हिस्सा बताने लगा। आपको बता दें, ये घटना इंग्लैंड की बल्लेबाजी के दौरान घटी। फैंस ने इसको लेकर एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर खूब मजे लिए, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिहाज से इसको चिंताजनक बताया। आकाश चोपड़ा ने इस घटना का वीडियो साझा करते हुए अपने ट्विटर पर लिखा, बेहद चिंताजनक, कोविड के समय को देखते हुए और भी सोचने की जरूरत है, इसको कैसे होने दिया गया। आपको बता दें, ये घटना तब घटी जब भारतीय टीम लंच ब्रेक के बाद मैदान पर लौट रही थी। इसी दौरान ये फैन टीम इंडिया की जर्सी पहनकर मैदान पर आ पहुंचा, जिसकी जर्सी के पीछे जार्वो लिखा हुआ था। जब सुरक्षा कर्मियों ने उसे मैदान छोड़ने के लिए कहा, तो उसने अपनी जर्सी पर बने बीसीसीआई के लोगों की ओर इशारा किया। काफी मशक्कत के बाद इस फैन को बाहर ले जाया गया। वहीं मैच की बात करें तो टेस्ट मैच के तीसरे दिन पूरी तरह इंग्लैंड के नाम रहा। लंच से पहले तक भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरसते रहे और इंग्लैंड के कप्तान जो रूट जमकर भारतीय गेंदबाजों की खबर लेते रहे। जो रूट की 180 रनों की नाबाद पारी की बदौलत इंग्लैंड की पूरी टीम पहली पारी में 391 रन बनाकर ऑल आउट हुई। पहली इनिंग के आधार पर इंग्लिश टीम ने 27 रनों की बढ़त हासिल की है। वहीं भारतीय गेंदबाजी की बात की जाए तो रूट के आगे भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से बेअसर दिखाई दिए और तीसरे दिन के पहले सेशन में टीम इंडिया को एक विकेट तक नसीब नहीं हुआ। हालांकि टी ब्रेक के बाद ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज ने भारतीय टीम की मैच में वापसी कराई। ईशांत शर्मा ने 3 विकेट्स तो वहीं सिराज ने 4 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा पहले टेस्ट मैच में अपनी गेंदबाजी से इंग्लिश बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाने वाले बुमराह को कोई भी विकेट नहीं मिल सका।